नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे समाचार और आज हम खड़े हैं रामेश्वर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल लालचंदपुरा में। यहाँ पे मलकम का जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रहा है पिछले 3 दिनों से, तो आज अंतिम समापन पे यहाँ पे DGP उमेश मिश्रा जी भी यहाँ मौजूद है, जो अभी पूजा कर रहे हैं। हम आप उनसे रूबरू करवाते हैं और किस तरह से मनोबल बढ़ाते हैं, क्या आगे कार्रवाई सब जानकर लेते हैं। देखिए आप यहाँ पे जुड़े रहे हमारे समाचार के साथ लगातार। आइए हमारे साथ आइए। कार्यक्रम के आगे हमारे मुख्य अतिथि महोदय द्वारा मलखम का पूजन करते हुए, जैसा कि हमारी परंपरा रही है, मलखम की पूजा होने के बाद हम बात करवाते हैं, रूबरू करवाते हैं आपसे। सबसे पहले हमारे मलखम के आदि गुरु हनुमान जी के चरणों में नमन पूजन, उसके बाद मलखम का पूजन। ये मलखम की पूजा हो रही है। मलखम, मलखम यानी इसमें दो नाम होते हैं एक शब्द के, मल यानी कुश्ती और खम यानी जो खम्बा आपके सामने लगा हुआ है उसको मलखम कहते हैं, जो एक प्रतियोगिता है अपने राजस्थान में खेले जा रही है। हमारे मुख्य अतिथि द्वारा फूल मलखम का पूजन करते हुए माल्यार्पण। एक माला लाना। और माल्यार्पण होने के बाद वस्त्र समर्पण हमें कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों के साथ फूल मलखम का रमेश सिंधोलिया सर यहाँ पर मौजूद है, माल्यार्पण करके पूजा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ पे काफी सारे मुख्य अतिथि भी, ईरानी जी कटारे भी मौजूद है और भी गणमान्य व्यक्ति मौजूद है, हिंदू रीति रिवाज से सिर को चढ़ाकर पूजा करते हैं। देखिए आप किस तरह से कर रहे हैं पूजा। अरे पत्थर ले क्या, वो यहाँ वाले पत्थर थे ना पहले, पहले ये नीचे रखो, एक ऊपर। अच्छा ये हाँ, ये जल्दी ले क्या, जल्दी देखिए पूजा कर रहे हैं श्रीफल बड़ा करके। देखिए श्रीफल अपने आप ही भेंट हो चुका है, थोड़ी देर में हम रूबरू करवाते हैं किस तरह से बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं इस मलखम प्रतियोगिता में, और आगामी दिनों में कब कहाँ खेला जाएगा इन सब की जानकारी लेते हैं। आइए मेरे साथ जुड़िए। देखिए हम आपसे जानकारी दिलवाते हैं, आप जुड़े रहे हमारे समाचार के साथ लगातार। देखिए बच्चे कितने उत्साहित हैं और बैठे हैं, आज इनको प्रसिद्धि सम्मान देकर पूजन की इस बेला में और प्रसिद्धि पत्र दिया जाएगा इन सबको, जो भी अच्छे पार्टिसिपेंट थे, अच्छे खिलाड़ी थे उन सबको मुख्य अतिथि महोदय द्वारा फूल मलखम का पूजन करते हुए है इन सबका। अब हम सबसे जानकारी लेते हैं। देखिए आइए आइए हमारे साथ सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हमारे समाचार में आपका स्वागत है सर। आज आप यहाँ रामेश्वर पब्लिक स्कूल में आए तो क्या मैसेज देना चाहेंगे सर बच्चों? पीटिया जी यही कि ये सर हमारे राष्ट्र की एक परंपरागत मलखम का खेल बहुत पुराना है जी, और इंदौलिया जी इसको बहुत ऊंचाई पे ले गए हैं, इन्होंने बहुत देश के कई हिस्सों में इसको पॉपुलराइज करने का काम किया है, और भरतपुर में विशेष रूप से एकेडमी है जी, ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ इसका ये रेड वाला काटना है, पॉपुलराइजेशन ये रेड वाला होना रहा है, अग्रणी भूमिका होती है ये रेड वाला दबा इसके लिए इनको और इनकी टीम को और आयोजकों को सबको बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो राजीव सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे आज जो प्रतियोगिता समापन हो रहा है उसके चलते? ओके, हमारे मुख्य अतिथि महोदय द्वारा
प्रस्थान जब एसपी थे, आज से 30 साल पहला पुराना रिश्ता है मेरा जी। एक गॉड फादर की तरह से मेरे को संरक्षण दिया, मेरा सुरक्षा कवच है मेरा, जैसा कि विदित है कि पोष है, गणेश है। 25 दिसंबर से 27 सितंबर के बीच यहां रामेश्वरम पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजस्थान स्टेट मलखम चैंपियनशिप 2021-22 कब खेला जाएगा का आयोजन हुआ। बंद करवा दे पर आज इस सर अगला प्रोग्राम कब खेला जाएगा, इस तरह से एक्टिविटीज कब होगी, ये कहाँ पे होगी? देखिए ये जयपुर की जनता और जयपुर के लोगों पर है। मैं तो सोच के यहीं आया हूँ, रामेश्वरम में आया हूँ और जयपुर में दूसरी जगह जाने का कोई सपना नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ अपडेट की हैं, उन सब का अगर वो वायदा करेंगे तो ये निश्चित रूप से यही सी रामेश्वरम में होगी, ये ओपन में नहीं होगी, इंडोर में होगी ये, इसलिए बहुत सारी चीज़ें मैं उनसे बात करूँगा। वरना सर जयपुर के जो भी खिलाड़ी हैं इस तरह से या जो रुझान रखते हैं, अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या स्टेप रहेगा, क्या मोटिवेशन रहेगा? खेलो इंडिया मलखम के जो अकेडमी है और फिटनेस सेंटर है यहाँ खोल दिया है, वो यहाँ आएँ रामेश्वरम में, रामेश्वरम में सीखें, यहाँ पर व्यवस्था है, निःशुल्क है, कोई चार्जेज नहीं है और एक बहुत अच्छा विद्यालय, बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं और हम लोग पूरा सुपरविजन करेंगे और इस आयोजन में जो यहाँ सीखेगा वो जयपुर का खिलाड़ी जयपुर के ही टारगेट से जाएगा, सीधा कहीं से लैंड नहीं कर सकता, क्या पहले अप्रोच उसको यहीं से करना पड़ेगा, जयपुर ज़िले से ही करेगा, कहीं भी अदर लेवल से वो फ्लाइट नहीं। तो सर मलकम के लिए जयपुर में प्लेटफॉर्म कहाँ बनेगा? ये बना दिया, बना दिया रामेश्वरम, रामेश्वरम मलकम का जयपुर जिले का ये फिटनेस सेंटर और पहला सेंटर मलखम का हमने जयपुर में बना दिया। धन्यवाद सर। देखिए कितनी अच्छी बात कही, मलखम के लिए प्लेटफॉर्म बना दिया मेन रामेश्वरम पब्लिक स्कूल, यहाँ के डायरेक्टर जितेंद्र से भी जान कर लेते हैं। सर सबसे पहले तो हमारे समाचार में स्वागत है और मुबारक हो आपको जो ये सेलेक्ट हुआ आपका स्कूल मलखम के लिए, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा समाचार का सबसे पहले धन्यवाद, साथ ही जो यहाँ पर फिटनेस सेंटर के लिए अप्रूवल सर ने किया है उसके लिए भी मैं रवि सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतने विद्यालयों के अंदर इस विद्यालय का रजिस्ट्रेशन करके और इसको फिटनेस सेंटर के मामले में यहाँ पर फिटनेस सेंटर खोला है। धन्यवाद सर। को मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं हर एक शिक्षक से भी और भाई साहब रामेश्वर जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। जयपुर ज़िले में आज पहला जो प्रोग्राम है, इसके अलावा भी सर हम कोशिश करेंगे राज्य सरकार से कि 2% कोटे के अंदर जो बच्चे डिप्टी और SI और सब इंस्पेक्टर बनते हैं और सभी गवर्नमेंट मंत्रियों में, तो उसमें इनके हमारे सर्टिफिकेट से जो ऑन रिकॉर्ड और आज राजस्थान विश्वविद्यालय में कोशिश करेंगे। शिक्षा विभाग में हमारे मलखम लागू हो गया 52 गेमों में, पहले 18 गेम्स थे, अभी राजस्थान विश्वविद्यालय में भी इंटर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जा रही थी और टीम के लिए भी मना कर रहे थे, तो हमारे फेडरेशन की तरफ से लेटर देने के बाद माननीय कुलपति महोदय के पास जाएंगे, तो वहाँ से ऑर्डर करा के राजस्थान विश्वविद्यालय की हायर एजुकेशन की जो टीमें हैं उनमें भी हम थोड़ा आगे बढ़ाव करेंगे। हमारे यहाँ पे छापरा में NR चौधरी गर्ल्स कॉलेज की बच्चियाँ जो इससे इंटरेस्टेड रहती हैं खेल से, तो वो ऑल इंडिया जाना चाहती है, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय में भी व्यवस्था नहीं है, तो हमारे प्रेसिडेंट साहब से लेटर लिखवा के और गहलोत जी और BD कल्ला साहब से और हायर एजुकेशन मंत्री जो यादव साहब बने हैं उनसे मिल करके हायर एजुकेशन और स्कूली एजुकेशन में 2% कोटे में लागू कराएंगे, ताकि बच्चों को आने वाले समय में जो कोटा होता है उसमें सरकारी सेवाओं में मौका मिल सके। सुरेश सर धन्यवाद। सर देखिए यहाँ पे मैडम कर, मैडम आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अब मैं श्री मैं ह्यूमन राइट्स से जनरल सेक्रेटरी जयपुर से, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि खेलकूद के अंदर में जयपुर श्री जितेंद्र जी को स्वागत भाषण के लिए मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं, भाई साहब जितेंद्र जी। धन्यवाद। देखिए मैं और भी जान कर लेता हूँ, हिरानी जी कटारिया जी भी है, उनसे भी जान कर लेता हूँ। एक मिनट आइए कैमरा मैन के साथ, थोड़ी जल्दी आइए आप, समय कम देते हुए आइए, कैमरा मैन साथ आइए, हिरानी जी कटारिया उनसे भी जान कर लेते हैं। सर नमस्कार, हमारे समाचार में आपका स्वागत है। इधर आओ सर, इधर इधर। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? सर मैं सबसे पहले तो जगदीश जी को, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मलखम पे स्टेट चैंपियनशिप करा के बहुत ही हमारे यहाँ अच्छा मैसेज दिया है। जो मलखम जो हमारे पुरखों से खेला जाता था बस पुराणों और पखानों की जब से महाभारत काल से ही, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में राजस्थान में इससे अच्छे वो यहाँ जो शानदार ये जो प्लेटफॉर्म देख के सारे साज सामान और सारे हमारे यंग बच्चे आए हुए हैं, मैसेज देना चाहूँगा कि आप
जो इसके जो बारीकियाँ हैं, जो टेक्निक्स है, जो टेक्निक्स की सीखें और अच्छे प्रदर्शन करें। और हमारे जो यतीश जी हैं, हमारे बड़े भाई साहब हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे राजस्थान के अंदर स्टेट चैंपियनशिप जितेंद्र शर्मा जी के स्कूल का बहुत अच्छा हमारा मैसेज दिया बच्चों को। तो मैं बच्चों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप एक एकाग्रता से मलखम का आप प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें और राज्य और देश का नाम रोशन। धन्यवाद सर। देखिए ये इतना अच्छा मैसेज था सब लोगों के लिए, उन पार्टिसिपेंट के लिए मलखम में जो प्रतियोगिता लेना चाह रहे हैं। आप जुड़े रहे हमारे समाचार गोविंद सिंह नाथ सर। जय हिंद, जय भारत। आज